किसान साथियों, जैसे कि अब धान की फसल कहीं पे गब्बे की अवस्था में है, कहीं पे स्प्रे चल रहे हैं, तो हमारे किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हम अपनी फसल के लिए जब धान की फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो हम तिल्ले के लिए अलग लेते हैं, सीट ब्लास्ट के लिए अलग लेते हैं, लीफ ब्लास्ट के लिए अलग लेते हैं, और तोते फिड़के या फिर सुंडी के लिए हम अलग प्रोडक्ट लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कि बिल्कुल आपको चार चार पांच पांच प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ दो प्रोडक्ट से आपका काम चल जाएगा, तो कैसा रहेगा आप झूठ मत समझिए। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर ये देने वाला हूँ कि किस तरह से आपका दो प्रोडक्ट के अंदर काम चल जाएगा। चमत्कार ही हो जाएगा कि अगर हम सिर्फ दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल को पका सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को भी से लाइक करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं पूरे तरीके आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कौन से ऐसे दो प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी अच्छी से अच्छी फसल पा सकते हैं, जो कि एक महंगे से महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी आपको इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलती। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको तीन से चार प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दो प्रोडक्ट आपको ऐसे इस्तेमाल करने हैं अब की बार अपनी धान की फसल के अंदर, जिसका इस्तेमाल करके आप हर कीट को, हर उसके अंदर हर फंगस की जो भी बीमारी आती है हमारी धान की फसल के अंदर लास्ट में, फिर चाहे वो कोई भी समस्या हो, और फिर उसके लिए दाने के भराव के लिए अलग से, दाने की चमक के लिए अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप लोग अपने पैसे ही बचा सकते हैं और एक बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको एक इसके अंदर खुद कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं आपको बताऊँ, आपको सोचना है, आपको देखना है। अब देखिए, जैसे ये धान की फसल है आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बीमारी नहीं, कोई कीट नहीं, सिर्फ इसके अंदर एक कीट दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, जो कि जिसको तोता फिड़का बोलते हैं, जो कि एक तितली सी होती है जो मंडराती रहती है हमारे पूरे खेत के अंदर, जो कि लार्वा छोड़ती है बाद में पत्तों के ऊपर, और वो पत्ता लपेट का रूप लेती है या फिर गोब के कीड़े का रूप लेती है। तो उस टाइम पे अगर ये अवस्था है आपकी धान की फसल की कि इसके अंदर कोई ब्लास्ट नहीं है, कोई इसके अंदर कीट नहीं है और बिल्कुल भी स्वस्थ है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको एक कैलकुलेशन करके रखनी है। अब जैसे कि देखिए, कारटैप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल आप लोग करते हैं आपकी धान की फसल के अंदर 40 से लेकर 45 दिनों तक, तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन करके आपको रखनी है कि अगर आपने अपनी धान की फसल के अंदर अभी अभी फ़िलहाल 15 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं आपको कारटैप यानी कि पदान जो डालते हैं हम, तो उसका इस्तेमाल किए हुए आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी सुंडी वाली दवा लेने की। अगर आपके खेत के अंदर फिड़का मंडरा रहा है या तोता फिड़का मंडरा रहा है, तब आपको सिर्फ जो लैम्डा आती है 4.9% में, जो सीएल फॉर्मुलेशन में होती है, जो कैप्सुलेटेड फॉर्मुलेशन में होती है, तो आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब ये तो बात हो गई सुंडी की, जो गोब वाली सुंडी होती है या पत्ता लपेटक सुंडी होती है, जो तितली होती है हमारे खेत के अंदर मंडराती है, ये तो हो गई उसके बारे में। अब बात आती है बीमारी के बारे में। बीमारी देखिए, हमारी धान की फसल के अंदर सीत ब्लास्ट है, लीफ ब्लास्ट है, उसके अंदर अगर झुलसा रोग भी आ जाता है कभी कभी, BLB जिसको ब्रॉड लीफ ब्लास्ट बोलते हैं, तो अगर वो आपको अपने खेत के अंदर बीमारी, जो भी बीमारी है बीमारी के लिए, और जो फिर आगे कीट है, एक जो मैन कीट होता है जो कि होता है तेला, जिसको माहू बोलते हैं, चौपर बोलते हैं, तो ये जो कीट होता है इसके लिए भी आपको अलग अलग दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दवा से आप काम चला सकते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं हम दवाओं की कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं। देखिए, वो कैलकुलेशन आपको करवा दी कि अगर 15 दिन से ज़्यादा नहीं हुए आपको कारटैप डाले, तो आप सुंडी वाली को तो रहने ही दीजिए बिल्कुल। अगर 15 दिन से ऊपर हो गए हैं तब आपको सुंडी वाली मिलाने की ज़रूरत है। इसके अंदर आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अन्य कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि वो दो प्रोडक्ट कौन से हैं। एक तो है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, बीमारी के लिए, जो कि कीट के बीमारी के लिए, जैसे कि सीत ब्लास्ट वगैरह के लिए होता है,
सुदर्शन कंपनी की ट्राईसॉर्ट। जी हाँ किसान भाइयों, ट्राईसॉर्ट के अंदर अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो इसके अंदर ट्राईफ्लोक्सीस्टोबिन 10% और डाइफेकोनाजोल 10.5% और प्लस में सल्फर 3% ऐसी फॉर्मुलेशन में होता है। अब आप आइडिया लगा के देखिए, इसके अंदर तीन टेक्निकल का कॉम्बिनेशन जो कि आप पहले यूज करते आए हैं, ट्राईफ्लोक्सीस्टोबिन और इसके साथ में डाइफेकोनाजोल वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल करते आए हैं, तो इस और साथ में प्लस में सल्फर भी है, इसके अंदर क्या होगा कि आपके दाने की चमक अच्छी बनेगी और फंगस को रोकने में मदद करेगा। एक कॉन्टैक्ट बेस टेक्निकल होता है सल्फर, जो कि तुरंत आपकी फसल के अंदर काम करता है। और दूसरी बात आती है अब कीट के लिए, कीट के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। देखिए स्वस्थ बिल्कुल आपकी फसल है तो उसके अंदर आपको इस्तेमाल कर, उसके अंदर सिर्फ दो दवाएँ मैंने बोला है ना, एक तो हो गई ट्राईसॉर्ट और दूसरी दवा जो है वो है पैक्सालोन। जी हाँ किसान भाइयों, पैक्सालोन का इस्तेमाल आप लोग अपनी धान की फसल के अंदर माहू की या फिर तेल लगी रोकथाम के लिए करना है आपको 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और ट्राईसॉर्ट की अगर मैं डोज की बात करूं तो अगर आपने मुच्छल वैरायटी लगा रखी है तब तो आप इस्तेमाल कीजिए इसका 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो अन्य ब्रीक वैरायटी या मोटी वैरायटी लगा रखी है तब आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फिड़का या सुंडी वाली दवाएं मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 15 दिन हो चुके हैं कार टैप डाले तो उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 15 दिन के ज़्यादा है तब आप मिला सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ दो प्रोडक्ट से आप अपनी धान की फसल को ऐसा बना सकते हैं कि बराबर में आप लोग या फिर देखेंगे तो महंगे से महंगा टेक्निकल इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी धान की फसल के अंदर, तब आपकी फसल के अंदर ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई कीट आएगा और आपकी फसल बिल्कुल सोने जैसी पक्के सामने आएगी और इतना जबरदस्त पैदावार आपको देखने को मिलेगी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल को बीमारी मुक्त या कीट मुक्त बना सकते हैं। अब आती है रेट की बात। देखिए रेट जो मैं आज के टाइम में जो पैक्सालोन का रेट है वो रहेगा लगभग आपको 1150 या 1170 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आएगा 94 ml का, और जो ट्राईसॉर्ट का खर्चा आएगा वो आएगा लगभग आपका 1150 या 1170 रुपए, वही उसका रेट आएगा लगभग। आप प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों प्रोडक्ट का वो करके देख सकते हैं, प्लस करके देख सकते हैं कि लगभग 2250 या 2300 के लगभग आपको प्रति एकड़ का इसका खर्चा आएगा, जो कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और आपको लंबे रिजल्ट हैं इसके। लगभग कंपनियों का दावा है कि लगभग 35 से 40 दिन का परिणाम देखने को मिलता है इन प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 30 दिन का परिणाम लेके चलिए कि 30 दिन का तो परिणाम हमको ये दे ही देंगी, 30 दिन का परिणाम तो हमको रिजल्ट मिल ही जाएगा इन प्रोडक्ट का। तो अगर आपकी धान की अवस्था जैसे बालियां निकल चुकी है 2-4% उस टाइम पे आप लोग करते हैं, जैसे मोटी वैरायटी है या 15-9 वैरायटी है ब्रीक वैरायटी में आती हैं, 15-9 है या 16-9 है, जो भी वैरायटी है 15-9 की, तो उनके अंदर तो आपको दूसरा स्प्रे करने की ज़रूरत है ही नहीं है। और जो दूसरी वैरायटियाँ हैं जिस जो लंबी वैरायटी होती है जिसके अंदर हम 2-3 स्प्रे करते हैं, तो उसके अंदर आपको दूसरा फिर अपने खेत की हालत देख के किसी विशेषज्ञ को बुला के, किसी डॉक्टर को बुला के दिखा के, तो उस टाइम पे उस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो यही सब था किसान भाई इस वीडियो के अंदर जो कि मैंने आपको जानकारी दी। आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं प्रोडक्ट और एक अच्छा मुनाफा या एक अच्छी पैदावार पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने किसानों भाई में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।